बड़ी खबर है अयोध्या से, जहां मुमताज नगर ओवरब्रिज के पास पलटी बस, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। एम्बुलेंस के द्वारा घायल मरीजों को बस से निकलवा कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ हादसा। कैंट थाना क्षेत्र के अंतर्गत शहादतगंज बाईपास के पास हुआ हादसा। सुविधा के नाम पर मोटा टोल टैक्स वसूलने वाले का नहीं पहुंचा कोई वाहन। बता दें कि बस पर सवार 3 यात्रियों की मौत हुई है, जहां 30 से अधिक यात्री घायल हुए हैं। घायलों का जिला अस्पताल में चल रहा है इलाज। दिल्ली से बस्ती सिद्धार्थनगर जा रहे थे यात्री। थाना कैंट के मुमताज नगर के पास NH 27 पर ओवरटेक के फेर में पलटी बस। आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां लखनऊ गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसा हो गया है। इस हादसे में बस में सवार 3 यात्रियों की मौत हो गई है, तो वहीं 30 से अधिक यात्री घायल बता रहे हैं, जिनका उपचार अस्पताल में चल रहा है। बताया जाता है कि दिल्ली से बस्ती सिद्धार्थ नगर जा रहे थे यात्री, जहां थाना कैंट के मुमताज नगर के पास NH 27 पर ओवरटेक के फेर में बस पलट गई, जिससे ये गंभीर हादसा हो गया है। अरे सर, ये राजस्थान नंबर की बस थी, ये दिल्ली से बासी जा रही थी सिद्धार्थनगर के लिए। इसमें ज़्यादातर पैसेंजर जो बस्ती और सिद्धार्थनगर के थे, और जैसा कि आपको SSP साहब ने बताया कि 3 डेथ हुए हैं और 11 घायल थे, उसमें एक घायल को रेफर किया गया है KGMC और 10 का यहाँ इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में, और ये लोग ठीक होने की स्थिति में है लगभग। और यहाँ पे ALS वगैरह भी सब लगा हुआ था और सब व्यवस्था ठीक है यहाँ पे, और सभी डॉक्टर्स की टीम लगी हुई है यहाँ पे। दिल्ली से बासी एक बस जा रही थी जो राजस्थान नंबर की है, और थाना कैंट क्षेत्र में मुमताज नगर के पास जो फ्लाईओवर है वहाँ चढ़ते समय इस वाहन की दुर्घटना हुई। जो अभी तक प्रत्यक्षदर्शियों और जो पैसेंजर है उनसे बातचीत में जो पता चला है, उसमें ये पता चला है कि जब वो बस फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ा रही थी, उस समय किसी वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में फ्लाईओवर की साइड रेलिंग से वो टकराई और उसके बाद वो बस पलट गई। तत्काल वहाँ पे पुलिस टीम और मेडिकल टीम वहाँ पहुँची। घायल जो हैं उनको तत्काल जिला अस्पताल लाया गया, और एक जो उसमें से सीवियरली इंजर्ड था उसको लखनऊ के लिए रेफ़र किया गया है। अभी तक वहाँ पे मौके पे जब बस को उठाया गया तो उसमें 2 व्यक्ति जो थे उनको निकाला गया था, जिनको जो मृत थे, उसके अलावा 1 व्यक्ति की मृत्यु यहाँ पे हुई। टोटल 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, और जो 12 घायल थे उसमें 1 को रेफ़र किया गया है, बाकी 11 है। बाकी की कंडीशन ठीक है, डॉक्टर से अभी बात हुई है, बाकी की कंडीशंस ठीक है, सभी लोग इलाजरत हैं।